अलग अलग बाइक है ना। हाँ, इसे कहते हैं झिंगे, इसे कहते हैं रावण का न्याय। आप दोनों को बाइक मिलेगी, आप हमने कुछ इस तरह से क्या कहते हैं, ये पहली बार देखा एक्चुअली ऑन ट्विस्ट के जो जीतेगा वो एक्चुअली हार रहा है। तो आप दोनों को ढेरों शुभकामनाएं बाइक जीतने की भी, दीपावली की भी, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाइक का नियम के बारे में सोचते हैं, लेकिन इसमें आपको उनके बहुत अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। एक तो ऐसा रूप है जिसमें वो बहुत मिस्चीवियस है, दूसरा ऐसा रूप है कि उनमें बहुत रेज है, बहुत एंगर है जब वो वॉरियर हैं, जब लड़ रहे हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी इस पिक्चर की कि हर कैरेक्टर जो है उसके अंदर अलग अलग शेड है। अक्सर होता है हम चाहे राम को देखें या रावण को देखें, एक ही किस्म के लोग देखते हैं हम, या एक ही किस्म का कैरेक्टर देखते हैं हम। इस बार मुझे लगता है कि जिस तरह से रोहित ने पेश किया है, हर कैरेक्टर में अलग अलग शेड्स हैं और इसलिए ये इतनी मज़ेदार है। और मेरा मानना है कि एक ऐसी पिक्चर है जो ना सिर्फ बच्चों को अच्छी लगेगी लेकिन मेरी उम्र के लोगों को भी अच्छी लगेगी। आप मेरे से थोड़े बड़े हैं तो आपकी उम्र के लोगों को भी अच्छी लगेगी और आपकी उम्र के लोगों को भी अच्छी लगेगी। तो मेरा मानना है कि ये एक ऐसी पिक्चर है जिस तरह से बनाई गई है, इसमें ह्यूमर है, इसमें रोमांस है, इसमें एक्शन है और वो सारी चीज़ें हैं जो एक फैमिली ऑडियंस को अच्छी लगेगी। तो मेरा मानना है कि 4 नवंबर को ना सिर्फ बच्चों को ये पिक्चर अच्छी लगने वाली है लेकिन फैमिली साथ में आएंगी और सारी फैमिली को अच्छी लगेगी पिक्चर। अच्छा, मैं ट्रेलर देख रही थी इसका, राम बहुत कूल है इसमें, लंबे लंबे बाल है। गाने आपको बहुत मजा आएगा और फिल्म जरूर देखेगा, इट्स अ ब्रिलियंट एनिमेशन फिल्म है, मुझे तो बहुत मजा आया, आई एम श्योर आप सब बहुत एंजॉय करेंगे। रोहित डायरेक्टर जिसने डायरेक्टर जी जिन्होंने इसको डायरेक्ट किया है, मैं चाहूंगी वो स्टेज पे आए। चेंज इट अकॉर्डिंग टू द टाइप की ये स्टोरी रीटेलिंग नाउ शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी बोरिंग। आई मीन जब भी आप रामायण की बात करते हैं, द फर्स्ट थिंग एवरीबडी गोज इज अरे तेरी वो राम जी फिर वो सब माए, तो सब एवरीथिंग इज चेंजेड अराउंड। एंड आई थिंक मोर देन एनीथिंग रावण का रोल, जो रावण को कन्फ्यूज विलन बना दिया है, 10 सर बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को कन्फ्यूज कर रहे हैं, सीता इज अ वॉरियर प्रिंसेस, राम इज रोमांटिक, आई थिंक दिस एंटायर थिंग कम टुगेदर इज इट्स अ फिल्म दैट आई लाइक टू वॉच, इट्स एन इंटरेस्टिंग फिल्म। चलिए जब बात हुई है रावण की तो जरा रावण से भी बातें हो जाए। कंफ्यूज किया आपको इन्होंने, बना दिया रावण और उसके बाद कंफ्यूज भी किया। कोशिश की इन्होंने कोशिश की इस ग्रेटेस्ट कैरेक्टर, जो हर एक्टर की एस्पिरेशन होती है कि किसी दिन मुझे रावण का रोल करने का मौका मिले। तो ओए बोल भाई, क्या प्रॉब्लम, बोल। आप सभी जितने कलाकार हैं, खासतौर पे जो जिन्होंने खलनायक की भूमिका की है, सबकी एस्पिरेशन होती है कि एक दिन रावण के कैरेक्टर को करने का मौका मिले। ये फिल्म महायोद्धा राम में मुझे न सिर्फ रावण के कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने का मौका मिला बल्कि एक ऐसे इंटरेस्टिंग रावण के कैरेक्टर को करने का मौका मिला जो इससे पहले फिल्मों में दर्शाया नहीं गया, स्टेज पर दिखाया नहीं गया, टेलीविजन सीरियल में नहीं दिखाया गया। ये रावण न सिर्फ इसके 10 के 10 सर बात करते हैं, ये रावण न सिर्फ क्या कहते हैं कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया गया, ये रावण ऐसा है इसके अंदर फिल्म महायोद्धा राम
जिसमें मैंने रावण की भूमिका की है, 4 नवंबर को लग रही है। ये फिल्म जो है एक एनिमेशन फिल्म है, और इस फिल्म में खासियत ये है कि ऐसा फिल्म बनाने वाले जो फिल्म के डायरेक्टर हैं रोहित वैद्य, प्रोड्यूसर रूपाली सिंह और अभिमन्यू सिंह को ये लगा कि आज की जनरेशन जो है वो शायद इस कहानी को दोबारा देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अगर कहानी उसी तरह से पेश की गई, कैरेक्टर सभी उसी तरह से पेश किए गए, तो उन्हें लगा कि ये तो हमने पहले भी दादी से सुना है, नानी से सुनी है ये कहानी, इंटरनेट पे हमने इसके बारे में जानते हैं। तो उन्होंने इस फिल्म के सभी कैरेक्टर्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया और उस फिल्म को प्रोड्यूस किया है वायकॉम 18 और वूट ने, उस फिल्म को डायरेक्ट किया है शौमिक सेन ने, जिन्होंने फिल्म गुलाब गैंग बनाई थी। अब फिल्म में बहुत सारे कलाकार हैं, ऋषि कपूर, जैकी श्रॉफ, मनीषा कोराला, फराह खान, चंकी पांडे, बहुत सारे डायरेक्टर हैं, सुजॉय घोष, सुजीत सरकार, महेश भट्ट साहब, बहुत सारे लोगों ने अभिनय किया। तो आप सभी को भी दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। अपनी अम्मा की डायरेक्शन नहीं सुनी हमने, डायरेक्टर की नहीं सुनी हमने।